मुंबई में कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर मंगलवार को सीआईआई के कार्यक्रम में सेबी अध्यक्ष माधवी पुरी पूछ ने कहा कि विदेशी इन्वेस्टरों की उम्मीदों और देश पर भरोसे की वजह से इंडियन कैपिटल मार्केट हायर वैल्यूएशन पर कायम है। Why is it that our markets are commanding? And this is, I think, an achievement for each person in this room because you are the ones who are commanding this price to earning multiple, which is higher than not only the averages of the world indices, but you can see there the comparison with various nations. So at 22.2, yes, some people say we are an expensive market, but still, why is the investment coming? Because this is a reflection of the optimism and the trust and faith that the world has in India today, that we are commanding these kind of multiples in our markets. कुछ हफ्ते पहले बुच ने स्मॉल और मिड कैप शेयरों के सेगमेंट में हाई वैल्यूएशन पर चिंता जताई थी, जिसमें कहा गया था कि ये एक बुलबुला साबित हो सकता है। बुच ने कहा कि कई सालों की हाई स्पीड ग्रोथ के बाद देश की अर्थव्यवस्था में जो तेजी आई है, उससे विदेशी इन्वेस्टरों के बीच भारत के लिए रुचि बढ़ी है। बुच ने कहा कि वित्त वर्ष 2024 के अंत में पिछले 10 सालों में इक्विटी में मार्केट कैपिटलाइजेशन 378 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है। ये 2014 में 74 लाख करोड़ रुपए था। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्थाओं ने वित्त वर्ष 2024 में इक्विटी और बॉन्ड जारी कर मार्केट से करीब 10.5 लाख करोड़ रुपए जुटाए हैं।